नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशनों पर महिलाओं को विशेष सुविधा देने के लिए पिंक स्टेशन बनाया है। ये सुविधा दो मेट्रो स्टेशन सेक्टर 76 और परी चौक पर पिंक स्टेशन के रूप में मिलेगी। महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पत्नी पंपी गौबा पिंक स्टेशन का रिबन काटकर उन्होंने इसका शुभारंभ किया। तो मेट्रो स्टेशन पर पिंक स्टेशन का शुभारंभ किया गया, महिलाओं को अब उचित सुविधाएं यहां पर मिल पाएंगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने महिला दिवस पर महिलाओं को तोहफे के रूप में एक नई पहल की है। पहल ये है कि नोएडा के दो मेट्रो स्टेशन नोएडा के सेक्टर 76 और परी चौक को पिंक मेट्रो स्टेशन के रूप में तैयार किया है। आपको बता दूं कि ये पहली बार हुआ है देश में कि जब कोई मेट्रो स्टेशन पिंक मेट्रो स्टेशन के तौर पर जाना जाएगा। यहाँ पर जो पिंक मेट्रो स्टेशन के तहत जो सुविधाएं मिलने जाने वाली है वो यही है कि यहाँ पर जो स्टाफ होने वाला है वो भी पूरा महिलाओं का होने वाला है, और साथ ही जो विशेष सुविधा जो महिलाओं को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए एक अलग से रूम तैयार किया गया है, जहाँ पर रहकर महिलाएँ बेबी फीडर और मेकअप और तमाम जैसे जो पर्सनल काम है वो आराम से कर सकती हैं। साथ ही एक सेल्फी पॉइंट भी तैयार किया गया है, जहां पर जो महिलाएं आकर सेल्फी ले सकती हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है देश में कि जब कोई मेट्रो स्टेशन पिंक मेट्रो स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। जो हमारी अधिकारियों से बात हुई वो यही है, उनका कहना है कि जिस तरह से जो महिलाएं हैं उनको एक प्राइवेसी चाहिए होती है, और ये मेट्रो की तरफ से पहल की गई है कि उनको प्राइवेसी देने के लिए एक अलग से रूम तैयार किया गया है। अभी हाल फिलहाल में सिर्फ दो मेट्रो स्टेशन चुने गए हैं, मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 76 और परी चौक, क्योंकि यहाँ पर जो आवाजाही है महिलाओं की वो सबसे ज़्यादा है। इसको देखते हुए सबसे पहले ये चुने गए हैं, इसके बाद आगे आने समय में और भी मेट्रो स्टेशन पर ऐसी सुविधाएँ दी जाएंगी। संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी, नोएडा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update.